हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज सेइंग, रीड द फ्लोइंग आंसर एंड क्वेश्चन। अ 25-year-old बॉय राव हैज बीन डायग्नोज विद अ विनरियल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। ही कंप्लेन्स अबाउट बर्निंग सेंसेशन एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन, पस कंटेनिंग डिस्चार्ज एंड पेन अराउंड जेनेटेलिया। दिस इन्फेक्शन हैज इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ 2 to 5 days एंड कैन बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक। आइडेंटिफाई द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ राहुल डिजीज। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि राहुल को कौन सी डिसीज हुई है। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पे की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट हमारे यहाँ पे रहेगा वेनरियल डिसीज। सो द की कंसेप्ट हेयर विल बी वेनरियल डिसीज। की कंसेप्ट इज वेनरियल। नाउ द क्वेश्चन राइज इज दैट वेनरियल डिसीज क्या होती है। वेनरियल डिसीज को ही हम क्या कहते हैं, और वेनरियल इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन RTI। और क्या बोलते हैं इसे, और बोलते हैं इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड डिसीज। अब ये होती क्या है बेसिकली, वेनरियल डिसीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिसीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, बेसिकली दीज आर द डिसीज दैट बेसिकली कॉज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। So these are the disease which are sexually transmitted during intercourse. Transmitted during intercourse. During intercourse. अब बात करते हैं राहुल को किस किस क्या क्या सिम्टम्स आए हैं। सबसे पहले उसको आया है कि लाइक जब भी वो यूरिन करता है, सो बेसिकली देयर विल बी बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ पस कंटेनिंग डिस्चार्ज एंड पेन अराउंड जेनाइटल। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन ट्राइपोनीमा पैलेडियम। सो ये क्या कॉज करता है, सिफिलिस कॉज करता है एंड सिफिल में एज सच कोई पेन नहीं होता इन द इंक्यूबेशन पीरियड एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अपीयर ऑफ रैशेस। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा एज ये क्या है, ये बैक्टीरिया से कॉज होती है सिफिलिस भी। एंड नेक्स्ट इज नाइजेरिया गोनेरिया। देखो गोनेरिया, नाइजेरिया गोनेरिया क्या कॉज करता है, गोनेरिया कॉज करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे यूरिनेशन के टाइम क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन भी होती है और पस और यू कैन से डिस्चार्ज वाइट फ्लूड डिस्चार्ज होता है एंड पेन होता है जेनाइटल या टेस्टिकुलर पेन होता है। सो दिस कुड बी आवर आंसर। ओके सो टॉकिंग अबाउट सी, दैट इज व्हाट, दैट इज हीमोफिलिस ड्यूकेरी। हीमोफिलिस ड्यूकेरी की बात करें, इसके अंदर भी हमारे यूरिनेशन के टाइम सेंसेशन होती है बट देर विल बी no discharge of the fluid, such kind of pus containing fluid, so this could not be the answer. And the third D1 is trichomonas vaginalis, this is in the female, ye kisme hota female, so this is also not the answer. To hamara answer kya ho jayega, Neisseria gonorrhea, so we can write it as according to the symptoms that Rahul has, he may be suffer from gonorrhea. और किसके किसकी वजह से होती है, नाइजेरिया गोनेरिया। सो
ही माइट बी सफर फ्रॉम गोनेरियो, और किसकी वजह से हो रही है, नेजेरिया, NESS, नेजेरिया, गोनेरिया, GON। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।